उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अब बैठे तो अचानक एक जगह इस तरह की घटना घटी, इसको पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। हाल ही में आपने जो वीडियो देखी, ऐसा ही कुछ हुआ इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, जहां एक मुस्लिम इलाके में पहुंची मेडिकल स्टाफ की टीम के साथ लोगों ने बुरा बर्ताव किया और उन पर पत्थर तक बरसा दिए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और शायद इस बात के भी दो पहलू हैं। एक पहलू है कि मुसलमान इलाके में इलाज करने पहुंचे मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई, जो कि आपने देखा। इसका एक दूसरा पहलू है जो हम आपको दिखा देते हैं। जब ये सोचा गया कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से आराम से जांच करा रहे लोग अचानक से क्यों बागी हो गए, तो एक सच निकल कर सामने आया, जिससे पता चला कि लोगों ने अचानक से मेडिकल स्टाफ पर हमला क्यों कर दिया। इस हमले के पीछे एक बड़ी वजह है, वो वजह है कोरोना की तरह ही सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज़ का वायरस, जिस पर लोग बिना किसी सबूत के जाने अनजाने में विश्वास कर बैठते हैं। जी हाँ, इंदौर के टाटपट्टी बाखल में हुई मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी के पीछे भी ऐसे ही फेक न्यूज़ का हाथ है। फेक न्यूज़ हम आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज चलाया गया, इस मैसेज में लिखा गया कि पुलिस और डॉक्टर मुस्लिम इलाकों में ही क्यों जांच कर रही है, मुस्लिमों को घर से उठाकर क्यों ले जाया जा रहा है, ये मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है जिस वजह से उन्हें पॉजिटिव बताकर ले जाया जा रहा है, और कोरोना वायरस से पॉजिटिव करने के बाद जब उनकी हालत मरने जैसी हो रही है, तब उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया जा रहा है। मैसेज में आगे ये भी लिखा था कि मेरे रिश्तेदार डॉक्टर हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई है, इसलिए किसी को भी जांच करने मत आने दो, जांच कर रहे हैं तो बोलो कि यही जांच करें और पॉजिटिव हैं तो रिपोर्ट यहीं ला कर दें, अगर कोरोना संक्रमित हुए तो खुद को खुद के ही घर में बंद कर लेंगे। ऐसा ही कुछ मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाया गया, बाद में इस मैसेज की पुष्टि की गई। ये मैसेज कहाँ से आया था, तब जानकारी मिली कि इस मैसेज को फैलाने के पीछे खजराना के रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ है, उसे पूछताछ कर उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। ये मैसेज चल रहा है कि जबरदस्ती का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इस मैसेज को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो इसमें एक टीम भेजी जाकर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, तो उसने अपना नाम आरिफ बताया। घटना के बाद कुछ गणमान्य नागरिकों ने इस घटना को गलत भी बताया और कहा कि इस तरह की हरकत करना हमारी देश की एकता और अखंडता को शोभा नहीं देता, इसलिए इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन इसमें कुछ लोग गलतफहमी में मुलविस हो जाते हैं, कुछ लोग खामोखा गलत तरीके के वीडियो जारी कर देते हैं बच्चे, जिससे गलतफहमी पैदा होती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस घटना को लेकर क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने खेद भी जताया और माफी मांगते हुए कहा कि ये सब गलत कहने की वजह से हो गया है और ये एक गलत फहमी थी, आगे से ऐसा नहीं होगा, पुलिस प्रशासन और मेडिकल स्टाफ का पूरा सहयोग किया जाएगा। गली में जा गए थे, उस गली के अंदर क्या हुआ कि लोगों को ऐसा गलत फहमी हो गई कि एक बुजुर्ग औरत जो है उसको कोई लोग जबरन में ले जा रहा है, मतलब तो इस लिहाज से वाके को जो नौजवान बच्चे थे थोड़े बहुत उनसे कुछ वो हो गई, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा यार ये जबरन में बार बार ले जा रहे हैं। इसी तरह का एक और भ्रामक मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले की सारी बातें हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि एक बार तो गलतफहमी में आकर इंदौर परिणाम भुगत चुका है, दूसरी बार ना भुगते। सोशल मीडिया पर एक इमेज वायरल हो रही है जिसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन नज़र आ रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की फ़ोटो वीडियो या किसी भी मैसेज पर आँख मूंद कर विश्वास ना करें, पहले सच की गहराई तक जाएं, पता लगाएं कि असलियत क्या है, इसके बाद किसी भी बात पर विश्वास करें। पुलिस प्रशासन और मेडिकल स्टाफ हमारे और आपके सहयोग के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, इसलिए इनका सहयोग करें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।